सरकार कौन दिखती है? अदृश्य, लुप्त, खामोश, हाथ पर हाथ धरे बैठी डबल इंजन सरकार है मणिपुर में। मीडिया का भी यही हाल है, इसीलिए टॉप स्टोरी नहीं है। यह कहीं और हो गया होता, 10 लोग मर जाएं, 15 दिन तक खबर चलती है, वो टॉप स्टोरी होती है। मणिपुर आग में जल रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की भाजपा सरकार लाचार हो चुकी है। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों में आग लगाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय को पहले ही आग के हवाले किया जा चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है और उनकी मीडिया ने इस खबर को ऐसे गायब कर रखा है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मुसलमान अपने घरों पर लिख रहे हैं ये मुसलमानों का एरिया है, और इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्यों घरों पर मुसलमानों का एरिया लिखा जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मणिपुर के हालात बेहद खराब और डरावने हो चुके हैं। अब वहां के लोग आपसी लड़ाई के साथ नेताओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। मोदी के मंत्री तक के घरों को जलाया जा चुका है, लेकिन इसी हिंसा में अगर आप मुसलमान हैं तो आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके घरों को आग नहीं लगाया जाएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो मणिपुर के हिंसा के हत्या से बच सकते हैं। और यही वजह है कि मणिपुर के मुसलमान अपने घरों पर लिख रहे हैं कि ये मुसलमानों का एरिया है। पत्रिका अखबार ने इस खबर को पब्लिश किया है। पत्रिका ने अपनी खबर में लिखा है, मणिपुर में लोगों ने अपने घरों पर लिखा कि ये मुसलमानों का एरिया, जाने इसके पीछे की वजह। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा में मुस्लिम मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके मन में ये सवाल उठने लगेगा कि आखिर इस राज्य में अराजकता किस स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां जिसे जब मन कर रहा है तब आग लगा दे रहा है, जब मन कर रहा है तब गोली चला दे रहा है। मणिपुर में मैतेई कुकी हिंसा के बीच मुस्लिम मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने घरों पर यह मुसलमान का एरिया है लिखना शुरू कर दिया है। कुकी हमलावर उन्हें मैतेई हिंदू समझकर हमला ना कर दें, उनकी जान ना ले लें, इससे बचने के लिए वे ऐसा लिख रहे हैं। दरअसल मणिपुर के 32 लाख की आबादी में 2.5 लाख पांगल मुसलमान हैं और वो जातीय हिंसा से बचने के लिए अपने घरों पर ये लिख रहे हैं कि ये मुसलमान का घर है, ताकि वो इस हिंसा से सुरक्षित रह सके। मणिपुर की इस पूरी हिंसा में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि सरकार गायब हो चुकी है, या यूं कहें कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ चुकी है, या फिर मणिपुर की भाजपा सरकार इस काबिल नहीं बची है कि वो हिंसा को रोक सके। शासन प्रशासन की लाचारी देखिए कि 4000 से ज्यादा हथियार लोगों ने पुलिस से लूट लिया है, 1.5 लाख से ज्यादा गोलियां पुलिस की गायब हो चुकी हैं। इसे वापस लाने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। खुद पुलिस भी मणिपुर में अलग अलग जातियों में बंट चुके हैं। जो पुलिस वाले मैतेई हैं वो मैतेई समाज के साथ खड़े हैं, और जो पुलिस वाले कुकी हैं वो कुकी समाज के साथ खड़े हैं, और इन सब के बीच सरकार बिल्कुल गायब है। केंद्र की सरकार में ना तो पीएम मोदी कुछ बोल रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह इन सब पर मुंह खोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी वैसे ही चुप है जैसे पीएम मोदी। मीडिया के बंदरों को मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत नजर नहीं आ रही है। जिन लोगों को ट्रेन हादसे में 300 लोगों की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उन लाशों पर खड़े होकर धूप और गर्मी का खेल खेल रहे थे। जिन लोगों की आत्मा 300 लोगों की मौत पर नहीं कल्पी, उसे 100 से ज्यादा लोगों की मौत पर क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अंजना शो कर रही है अमेरिका तैयार, बॉस का इंतजार, चित्रा के शो का टाइटल है। गीता प्रेस पर महाभारत, मीडिया का गुल्लू भी गीता पर महाभारत करने में लगा है। तो इन सब से अलग संदीप चौधरी मणिपुर बचाओ राष्ट्रपति शासन लगाओ के टाइटल के साथ हिंसा पर बहस कर रहे हैं, लेकिन अंजना, चित्रा और देवगन जैसे गोदी के बंदरों के लिए ये हिंसा कोई बड़ी खबर नहीं है। बंगाल की हिंसा मीडिया के लिए खबर बन जाती है, बिहार में गोलीबारी मीडिया स्टूडियो में, बिहार जंगल राज बन जाता है, लेकिन मणिपुर जहां गोलीबारी हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, पुलिस से हथियार छीने जा रहे हैं, लेकिन मीडिया ना तो भाजपा पर सवाल उठा रही है, ना तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, ना तो जंगल राज, गुंडा राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ये सब तो छोड़िए, वो बहस ही नहीं कर रही है जैसे मानो सत्ता के टॉनिक में मस्त होकर मदहोश हो गए हों।
तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।